हाथ जोड़े पवन सिंह ने पुलिस वालों के सामने। जी हाँ, आपने देखा होगा कि हाल ही में पवन सिंह के फिल्म मेरा भारत महान की शूटिंग जौनपुर में तो चल ही रही है, साथ ही साथ इस फिल्म के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था जहां पर इस फिल्म की हीरोइन मणि भट्टाचार्य पर कुछ भीड़ में लोगों ने ही पत्थर चला दिए थे और इस अफरा तफरी में मणि भट्टाचार्य के सिर पर चोट भी आई और मणि भट्टाचार्य बुरी तरह से घायल हो गई। मणि भट्टाचार्य ने तो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फ़ोटो पोस्ट की और उस पर ये लिखा कि मैं अपनी पहले वाली स्माइल को मिस कर रही हूँ, यानी कि इस हादसे से मणि भट्टाचार्य बहुत ही डर चुकी हैं। और आपको बता दें, मणि भट्टाचार्य और भोजपुरी की कई ऐसी मॉडल्स हैं जो कि कोलकाता से बिलोंग करती हैं और वो बहुत ही दूर से एक कड़ा परिश्रम करके यहाँ तक पहुँचती हैं। फिर आपको ये भी बता दें कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री अगर ऐसे ही बदनाम होती रहेगी तो उनके साथ कौन जुड़ेगा काम करने के लिए। जैसे ही इन सारी बातों की खबर जिला प्रशासन को लगी, प्रशासन ने अपनी तरफ से पुलिस के दो जवान मेरा भारत महान के सेट पर तैनात कर दिए। लेकिन पवन सिंह ने सामने से यहाँ के जिला प्रभारी से मिलकर अपनी बात रखी और ये कहा कि हम कलाकारों की सुरक्षा अब आपके हाथ में है। क्योंकि आपको ये भी बता दे कि पवन सिंह रवि किशन जैसे कई दिग्गज कलाकारों को देखकर भीड़ अपना आपा कई बार खो देती है और ऐसे में भीड़ को संभालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। और अब जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने फिल्म सिटी बनाने का निर्णय लिया है और ऐसे में अगर कलाकारों पर लगातार हमले होते रहे तो यहाँ शूटिंग करने आएगा ही कौन। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए।